सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं जो सुबह के 10:15 और हम एकदम तैयार हो गए, मम्मी और वो भी तैयार हो रहे सब भैया। और आज हम जा रहे हैं लोनार, और मामा आ रहे हैं हमें तुरंत भी लेने समृद्धि से। अभी लगभग आ ही गए वो, अभी आएंगे 5-10 मिनट में। हम इनको वेट कर रहे हैं, उनके लिए खाना वगैरह बनाया हमने अच्छा सा, आम रस और दाल फ्राई वगैरह बनाया है। और हमको जाते वक्त दो तीन काम भी है, मतलब वो एक टीवी का काम है हमारा, जो अभी लोनार का जो भाई छोटा सा शिवराज, उसने ये किया, रिमोट लिया, वो चल रहा नहीं था, डायरेक्ट फेंक के मार दिया टीवी पे, और टीवी फूट गया उनका। तो अभी उनके पास टीवी नहीं है, तो टीवी नया लेने का है, तो उसके पैसे वगैरह भरने हैं, फिर टीवी लेंगे। तो वही काम है, अभी उसके लिए भी आ रहे हैं और हमें लेने भी ले आ रहे हैं। अभी मस्त किया कह रहे हैं से, देखते जा तक चलाते हैं कि नहीं। अपने इंडिया में तो सब चलता है मस्त, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाए अपने चला नहीं, पर चलाएंगे आज मस्त एकदम गाड़ी। तो चलो अभी उनके लिए वेट करते हैं, आएंगे 10 मिनट में आएंगे वो यहाँ पे, और फिर निकलेंगे मस्त। और गाइज, आप तो अभी 2-3 दिन बैक टू बैक, मतलब एकदम भारी भारी ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि लोनार एक बहुत ही बड़ा वो मेट्रोराइड गिरा था वहाँ पे, तो वो बहुत ही अमेजिंग प्लेस, और बहुत बहुत रहस्य थे उसके। मैं तो पूरा घुमा हूँ, अभी इस बार आपको भी घूमूंगा। मेरे पहले वीडियो भी बनाए थोड़े बहुत, पर मैं कभी अपलोड नहीं करता, अपलोड करना शुरू कर दिया तो सभी अपलोड करेंगे। बहुत भारी है, बहुत भारी, आपको देखना आने वाले व्लॉग में मज़ा आ जाएगा, एकदम खतरनाक जगह है लोनार। तो चलो अभी चलते हैं, जल्दी से आते आएंगे और खाना वाना खाते हैं। और कल मैं सीट के एग्ज़ाम के लिए गया था, पर वो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत भाग दौड़ी में गया, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर, कैसे कैसे करके गया, धूप इतनी थी, और अब फ़ोन भी अलाउड नहीं तो बहुत प्रॉब्लम था उसमें, पर अच्छा गया मेरा पेपर। अभी देखते रिजल्ट का टाइम, देखते कैसा होता है क्या होता है। तो चलो बैठते हैं अभी। चलो गाइस, अभी एकदम हमारा खाना वगैरह सब हो गया है। अरे यार, चाबी ऊपर रह गई। चलो जल्दी अभी इसमें सामान लोड करते हैं और निकलते हैं, और अपने घर के सामने एक अच्छा मंदिर है, यहाँ पे दर्शन वगैरह लेते हैं और निकलते हैं। अभी बचे 11 बज गए फिर से, अभी 2-3 काम करते हैं जल्दी और निकलते हैं। बहुत धूप है आज, बहुत धूप है, चल जल्दी। तो गाइस, अभी हम सब निकल चुके हैं लोनार के लिए। मैं यहाँ पे अभी गाड़ी चला रहा हूँ मस्त, अपने इंडिया में जमता है सब, मामा जब तक है अपने साथ में तब तक कुछ नहीं हो सकता अपने को, तब मैनेज हो जाता है इधर। तो चलो अभी चलते हैं, एक दो काम करते हैं और निकलते जल्दी, गाने बजाते बजाते मस्त। सो गाइस, अभी हम पैटन गेट में आ गए हैं, और ये देखो यहाँ पे अपना वो टीवी का काम है। अब मामा गए अंदर देखने के, और मैं गाड़ी में बैठा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रास्ता है बहुत, कोई आ जाए इसलिए जल्दी गाड़ी निकालने के लिए। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है, टीवी का काम बहुत स्लो हो रहा है हमारा वो टीवी फूट गया है, और अभी यहाँ पे हमने एक्सचेंज भी दिया है, कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो हम नए टीवी पर डिस्काउंट दे रहे हैं, आज पैसे भरने हैं और 10 दिन बाद नया टीवी मिलेगा। तो अभी देखते हैं कैसा होता है, ये बहुत ही फालतू सर्विस है पर करना पड़ेगा, अभी क्या करें, टीवी बहुत महंगा था हमारा। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी देखो हम टनल के बीच में से जा रहे हैं और समृद्धि पे आ गए हैं, एकदम टंकी हमने एकदम फुल कर दी है अभी। और ये देखो ये टनल, इसका 120 की स्पीड लिमिट है बढ़िया से, 1-1.5 घंटे में डायरेक्ट लोनार पहुंच जाएंगे हम। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं ऑफिशियली समृद्धि पे, एकदम 120 पे क्रूजिंग कर रहे हैं, एकदम मजा आ रही है रोड पे चलाने को एकदम, और सूरज देवता भी मस्त आए वाले, धूप दे रहे एकदम जोर जोर से। और अभी हम यहाँ पे समृद्धि पे कैसा रहता है, एग्जिट रहते सबके अपने अपने अलग अलग, तो जालना का अलग, सिंगड़ राजा का अलग, हमारा सुल्तानपुर का अलग, ऐसे सबके अलग अलग एग्जिट रहते, तो आपको बस एग्जिट देखे निकल रहता है आपका। और अभी हम औरंगाबाद से चढ़े और अभी सुल्तानपुर को उतरेंगे, तो हमारा कुछ तो 300 रुपये टोल का लगेगा, तो इतने चार्जेस रहते, तो आप लगा लो अपना अंदाज कि आपका कितना कितना लगेगा। तो चलो अब चलते हैं मस्त। हाँ, स्पीड का 120 का मतलब है लिमिट यहाँ पे, पर अपने रास्ते पे तो फाइन नहीं, मतलब अपने बहुत बार गया है, पर अभी क्या पता किधर छुपा के रखा है इन्होंने स्पीड कैमरा, तो अभी 120 के आगे जा रहे भी नहीं हम। अरे तो कम, हाँ, और ये जाने भी नहीं देते 120 के ऊपर, मतलब बोलू सकते कम, बोला ना अभी क्या है पता है क्या, हाँ, जब अपने जहाँ से एंट्री किया है वहाँ से लेकर अपना जो एग्जिट है, अभी इन्होंने नया कानून निकाला है, जितना अपन स्पीड से जाएंगे और जितना स्पीड है अपना वो कैलकुलेट करके, अगर अपना स्पीड ज्यादा है तो अपने आप वहाँ पे सायरन बजता है। हाँ, ये नया रूल आया है, आप वो टाइम के पहले नहीं जा सकते, सीधा करो उसको, अब एक टाइम लिमिट रहता है उसके पहले अगर आप पहुंचे तो टोल पे सायरन बजना शुरू हो जाएंगे और आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, वो
वो टाइम पूरा कवर करना पड़ता है। ये अब भी नया रूल अभी अभी आया है, क्योंकि वहाँ पिछले बार आए वो बहुत फास्ट आए, अकेले अकेले आए इसलिए, और उनको रुकना पड़ा फिर अभी 10-15 मिनट वो रुका थे पहले, आप वो टाइम लिमिट पार नहीं कर सकते, उसके बीच में आना पड़ेगा। तो गाइस देखो अभी हमारा एग्जिट आ गया है, और ये देखो ये अपना एग्जिट, दूसरे बेड का एग्जिट है अपना, अभी 115 किलोमीटर अपने कर लिया, और हमको लगा कुछ तो 1.25 घंटा बस। ये देखो फास्टैग की वजह से अपना ये भी बोला, अपना फास्टैग तो नहीं वैसे स्लो टैग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तरह से उल्टा है पूरा, पर है अच्छा। अपन ने कवर किया 120 किलोमीटर पूरे 1.25 घंटे के अंदर कवर कर लिया पूरा, और अभी यहाँ से बस 20 किलोमीटर है अपना घर, तो चलो चलते घर पे एकदम जल्दी फास्ट में। तो गाइज अभी यहाँ पे देखो हम लोनार सर्वर में एंटर कर चुके हैं, और ये देखो ये सर्वर यहाँ पे, और अपना यहाँ से गाड़ी चल रही है एकदम बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे कल आएंगे सुबह सुबह एकदम, और आपको सब बताऊंगा यहाँ पे कैसा है सर्वर, क्या है सब उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह। चलो चलते घर पे, अभी आने ही वाले बस 5 मिनट का रास्ता बाकी है अपने घर पे, 2 मिनट का रास्ता बाकी है, और आज अपन लोग सब जाएंगे, आपको मैं यहाँ पे अपनी लॉज वगैरह खेत वगैरह सब बताऊंगा आज के व्लॉग में। अभी थोड़ा घर पे 2 बज गए मामा गियर बदलो, और 2 बज गए थोड़ा जाते हैं रेस्ट करते, 5 बजे निकलेंगे मस्त, लॉज भी देखा था ऊपर मामा ने स्विमिंग पूल बनाया वो धारी वाला, वो भी बताऊंगा आपको मैं, जाएंगे उसमें जाता है जिकल में। तो गाइस अभी घर पे आया था, और देखो घर पे तो पूरा काम शाम चालू है, ये वाली रूम बना रहे, थोड़ा ये वाली रूम पहले रह गई थी, पूरा पीओपी वगैरह कर रहे हैं, और इधर अपना थोड़ा सा किचन वगैरह छोटा, और बाहर एक छोटी बालकनी क्या है, थोड़ा खेलने का एरिया वगैरह वो बाद में बताऊँगा, क्योंकि बहुत सामान है अभी यहाँ पे। चलो ऊपर चलते अपने रूम में। तो गाइस देखो ये अपना रूम है मस्त मस्त, 3-4 दिन यहाँ पे रहने का, एसी लगाने का, यहाँ थोड़ी जल्दी गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए मस्त एसी में रहने का। वही देखो यहाँ पे ऐसा है, ये भी अपना घर है, मामा का घर है, वो श्रीयु का घर है वाला, मस्त टीवी वगैरह देखो मौज काटो यहाँ पे। चलो आराम करते हैं थोड़ी देर, और फिर देखते हैं शाम में जाएंगे लॉज पे वगैरह चक्कर मारते एक। तो हे गाइस कल शाम में तो नहीं आया, पर अभी आ गया अपने लॉज पे, देखो ये अपनी लॉज है गीतम लॉज करके, ये पूरी बिल्डिंग अपनी है ऊपर वगैरह मस्त, अभी यहाँ पे रूम्स वगैरह यहाँ पे एक दो जनों को भाड़े से होटल का दिया है, और ये अपनी लॉज है ऐसी कुछ, और इसके ही ऊपर अपने स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाया बढ़िया सा, और अभी नई बिल्डिंग का अपना बांधकाम भी पूरा हो गया, वो भी बिल्डिंग बताता हूँ, अभी देखो साइड से ऐसा कुछ दिखती है, और ये देखो ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी अपनी बिल्डिंग है, अभी कंस्ट्रक्शन हुआ इसका 2-4 महीने पहले, ये देखो ये पूरी पूरी बिल्डिंग अपनी है यार, अभी कंस्ट्रक्शन हुआ थोड़े दिन पहले इसका, वहाँ से जा भी सकते अपन, पर यहाँ से जाते हैं अभी, और आपको दिखा था ऊपर का, ऊपर स्विमिंग पूल वगैरह बना है एकदम भारी, वहाँ पे चलते एक बार। तो गाइस एकदम अभी टॉप पे आ गए अपने लॉज के, एकदम बढ़िया लॉज है, देखो देखो ये अपना स्विमिंग पूल है, और ये दोनों बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड दिए हमने, वो वाली पुरानी बिल्डिंग थी यहाँ तक ही था पहले, अभी यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी आएगी, लिफ्ट का काम थोड़ा बाकी है, और वो शायद बाथरूम वगैरह बना है हमारे लिए, और बस ऐसी कुछ लॉज है अपनी, बड़ी सारी लॉज है, अगर आप भी कभी लोनार सरोवर घूमने आओगे तो हमारे लॉज पे ज़रूर आना, एकदम अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देंगे आपको, अच्छी रूम देंगे, एसी रूम बहुत अच्छे अच्छे अपने पास, और ये देखो पानी एकदम अच्छा है, आएंगे शायद इधर आज, अपना छोटा सा भाई है ना शिवराज, उसको बहुत मज़ा आती है तैरने में, वो चिकली गया है क्योंकि उसके मामा की शादी है, हम भी जाएंगे उधर 2 तारीख को शादी होंगी, और हमको भी उधर ही जाना है 2 तारीख को, तो उसको वापस लेते आएंगे तब, और पानी थोड़ा सा अच्छा ही, मतलब कि कुछ इतना बुरा नहीं, मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गया बस, पर चलता है, अच्छा खासा 5 फुट का है, बहुत मज़ा आती है, और देखो पूरा भारी भारी एकदम, अभी तो बहुत धूप है पर अच्छा रहता है यहाँ पे सब, शाम के टाइम एकदम छाव होने के बाद मज़ा आ तैरने में, ये बलून गलून लगाते हैं हम इसमें अंदर, एकदम पूरा टाइम खेलते वगैरह, देखते आज आज शायद से देखते वो शिवराज आने के बाद ही मज़ा आती है यहाँ पे आने में, वो नहीं रहता है ना कि वो ऐसा थोड़ा बड़ा हो गया, 5-7-6 साल का हो गया है, तो कैसा उसको पानी फेंकने को वगैरह में मज़ा जाती है, उसको मस्त ऊपर ऊपर से फेंकता पानी के अंदर में, तैरना आता ना उसको अच्छे से, इसलिए कुछ टेंशन नहीं हो, आदवित का क्या है छोटा सा है बोलो, उसको तैरना भी नहीं आता, तो देखते थे आ जाएंगे या फिर उसको लेके आते, फिर तो बैक टू बैक दो तीन दिन मिलेंगे। चलो चलते हैं मुझे, बस इतना ही है लोनार सरोवर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके आगे सुल्तानपुर है,
और यहाँ से अभी थोड़ा जाएंगे आज शायद से शाम में, आपको खेत में भी लेके जाता हूँ मैं, खेत में वो भी बताता हूँ आपका खेत वगैरह कैसा है अपना। चलो अभी नीचे चलते हैं। तो गाइस देखो ये अभी हमारी आम वाली रूम है, पूरे आम ही आम भरे वाले, इसमें हमने दो झाड़ पे के उतारे हैं अभी, और अभी तो बहुत उतारने बाकी है। देखो इसके पूरे आम ही आम भरे वाले, ये खासियत है मामा के घर पे आने की, पूरे आम ही आम मिलते हैं आपको, मस्त आम खाओ। अभी इसको थोड़ा पकने में टाइम है पर बहुत मज़ा आने वाली आम खाने में, और अभी तो बहुत आने वाले आम भी, तो अभी बस शुरुआत है। मस्त आम खाएंगे और हर रोज़ आम खाएंगे। रुस्त आम खाओ मामा के आवास आओ और रुस्त आम खाओ। सो हे गाइस, अभी हम निकल चुके हैं शिरपुर के लिए, एक मेरे मामी का कुछ तो शादी है एक जनों की, तो उनके साथ भी करते हैं। अभी यहाँ से कितना 80 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर की ड्राइव है, फटाफट करते हैं और जाके दिखाते हैं आपको थोड़ी सी शादी कैसी होती है यहाँ पे, और चलो जल्दी चलते हैं। और गाने भी सेट कर रहा हूँ मैं, हाँ तुम्हारा भी घेतो ना। ये हमारा आदू है, आपको बता था सुबह में शिवराज है, और ये आदू है, ये थोड़ा पुग गया है अभी, थोड़ा उसको बीमारी हो गई है, बाकी कुछ नहीं। क्या मार तो मार, तो चलो अब चलते जल्दी गाने सेट करते निकलते। सो गाइस अभी आ गए शिरपुर से, कार में बैठा था और अभी 11:15 बज गए, भैया के जाने का टाइम हो गया, लो पुणे जा रहा है आज, तो अभी लोग तुरंत गाड़ी में सामान भरते हैं और उसको छोड़ के आते हैं। देखते हैं अब उसकी गाड़ी लग गए होंगी, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं, बहुत थक गया हो क्योंकि कंटिन्यू पूरा अंधेरा था और आँखों पे ये गाड़ी की हेडलाइट बीम्स वगैरह हाई बीम मारी थी ना, तो उसकी वजह से बहुत थक गया मैं भी। चलो इसकी जल्दी छोड़ के आते हैं। तो वैसे भैया की गाड़ी आ गई है, चलो अभी उसको छोड़ते और वहाँ पे करते और घर पर निकलते। चलो बाय बाय। चलो भाई अभी भैया बाय जा रहा है और अपन भी अभी चलते हैं अपने गाड़ी में, और आज का व्लॉग भी यही समाप्त करते हैं। आज का व्लॉग एकदम बढ़िया था सब, सुबह सुबह मस्त मैं लॉज वगैरह दिखाई आपको, मतलब लॉज पे गया था, और आज थोड़ा सा इधर भी जाके आया शिरपुर शादी में, और कल और परसों बैक टू बैक मुझे चिकली जाना है क्योंकि शादी है, हल्दी है मामी के सगे भाई की, तो उसके लिए जाना है मेरे को। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चल बाय गाइस। यार कुछ भी बोलो, ऐसे रात में अकेले गाड़ी चलाने का ना मज़ा ही कुछ और है, मतलब अगर दोस्त वगैरह रहे तो भी मज़ा आती है, पर दोस्त वगैरह भाई वगैरह रहा तो भी मज़ा आती है, पर अकेले की मज़ा की तरह अलग ही है। एकदम 11-12 बजे है और आप अकेले अकेले जा रहे किधर, तो भी अकेले मस्त दूर, ये तो भी ठीक है, मैं ऐसे 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 आया, पर चलता है सब, मज़ा आती है अकेले में, अकेले में गाड़ी चलाने में अकेले, कभी कभी शांत रहते आप एकदम, काली गाड़ी चलाने पे फोकस करते हैं, मजा आती है ये भी गाड़ी चलाना, कभी कभी हर बार नहीं आती मजा, पर कभी कभी आ जाती है। तो चलो चलते हैं, अपना घर भी आ ही गया।